हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल 0.19 के टॉप 7 यूज़फुल अपडेट्स के बारे में। पहला, सेटिंग में बेसिक के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग। इसको आप अगर इनेबल करते हो तो पीक बटन दबाए आप अपना कैमरा रोटेट कर सकते हो या एम मूव कर सकते हो। यह अभी 0.18 में बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, बहुत कोई इसको यूज़ करते हैं, बहुत के लिए डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन इस अपडेट में आप इसको मैनुअली डिसेबल कर सकते हो अगर आप के लिए ये डिस्टर्बिंग है। मैं तो इस चीज़ का यूज़ करता हूँ रिकॉल कंट्रोल करने के लिए, तो मैं तो इनेबल रखूँगा इसको। इससे बहुत किसी का एम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो डिसेबल रख सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है कैमरा रोटेशन वाइल ADS। इसमें भी सेम चीज़ है, इसको अगर आप इनेबल रखते हैं तो इसको दबा के आप कैमरा रोटेट कर सकते हो, और आप डिसेबल कर देते हो तो आप स्कोप बटन होल्ड करके अपना कैमरा मूव नहीं कर सकते। तीसरा आता है FPP डायनेमिक होल्डिंग। इसको अगर आप डिसेबल रखते हो तो स्कोपिंग या फायर करने के बाद आपका गन स्टैटिक पोजीशन पे हो जाएगा। और अगर इनेबल रखते हो तो फायर या स्कोपिंग करने के बाद आपका गन ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। चौथा, मौली के एनिमेशन को चेंज किया गया है, कुछ इस तरह से दिखेगा अब मौली का एनिमेशन। फिफ्थ है, इरेंगल क्लासिक के अंदर हम लोग को एक नया मोड देखने मिलेगा जिसमें कुछ लूट लोकेशन स्पॉन होंगी। जैसे सेकंड एनिवर्सरी में अमेजमेंट पार्क था, वैसे ही ये है। जहाँ जहाँ अमेजमेंट पार्क स्पॉन हुआ करता था वहाँ वहाँ ये लोकेशंस भी स्पॉन होंगे। इन जगहों पे हम लोग का स्टन ग्रेनेड मिलेगा जिसमें इग्नाइट का ऑप्शन आएगा, हम लोग इसको इग्नाइट करना। इग्नाइट करने के बाद हम लोग को कुछ लूट्स मिलेंगे इसके अंदर से। सिक्स्थ है, हीट इफेक्ट्स। इसमें जैसे ही किसी बंदे को बुलेट्स हिट होंगी तो ये चार कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। सेवेंथ, आयरन साइड लवर के लिए। पहले जो बैरल का आयरन सेट था वो वी शेप में था, अब थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया गया है। अब कुछ इस तरह से दिखेगा बैरल का आयरन साइट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।